सन 1971। ये कहानी उस वक्त की है जब पाकिस्तान के दो अलग अलग हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म से ईस्ट पाकिस्तान की आवाम बेहद नाखुश थी। आजादी की मांग जोर पकड़ रही थी। इसके चलते लाखों बेगुनाहों को बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था, लाखों की तादाद में। ईस्ट पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन हालात में हिंदुस्तानी हुकूमत भी ईस्ट पाकिस्तान की आजादी के पक्ष में थी। दोनों पड़ोसी मुल्क जंग के कगार पर आ पहुंचे थे। कुछ वक्त पहले मैंने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो बिना किसी के नजर में आए आसानी से उस पार भेजा जा सके। एज एन अंडरकवर एजेंट, काफी सारे नामों में एक आदमी मुझे खास लगा। ये शख्स अपना रंग बदल कर कहीं भी घुल मिल जाने का हुनर रखता था। और आखिर में जिंदा शहर पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। ऊंच एक साज है, सोज एक आहंग, दिल कतरा एक खून है और सुर्ख उसका रंग। इस रंग तिश्नगी में हर चाहत बेरंग।
आ जाइए, दरवाजा खुला है। अबे क्या परफॉर्मेंस थी साले। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया साले। वेल डन मिस्टर रोमियो, कभी लगा ही नहीं कि नोट गिनने के अलावा तुम्हें कुछ और भी टैलेंट हो सकता है। शुक्र है तुम्हें फाइनली मुझमें कुछ दिखा तो सही। रोमियो जूलियट चले, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। 5 मिनट। चक लाओ जना, थोड़ा तक लाओ जना, सोना मुख वेख के कमाल हो गया। अरे अख चक लाओ जना, थोड़ा तक लाओ जना, तेरा तकना बेमिसाल हो गया। ओ साडी मर्जी सी शरेआम मर गए, हुसना दे तीर साडे उत्ते चल गए, साथ तेरा वाह कमाल हो गया। ओ बुलेया दिल किथे चलेया, ओ बुलेया दिल किथे चलेया, ओ बुलेया दिल किथे चलेया। ओ इश्क दी बदली बरसा, हो जा तू मेरी तरफा, तेरे पीछे मैं तो सारा जग भुलेया। आंखें हैं कितनी सोनी, काजल में बन के सोनी, मैं तो तेरी आंखों में ही जाऊं घुलिया। ओ देख ले नजारे करते इशारे, मैं नहीं कहता कहते हैं सारे, ओ साथ तेरा वाह कमाल हो गया। ओ भुलिया दिल किथे चलिया। पारुल, मेरे ख्याल से 2 महीने से ज्यादा ही हो गए पूछते हुए, कल चले फिल्म देखते हैं। हॉल में तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो फिर किसका हाथ पकड़ोगे? एक एक करके रंग ले नजारे, हाथों में भर के खुशियों के तारे, और साथ तेरा वाह कमाल हो गया। ओ बुलेया दिल किथे चले, दिल किथे चलिया। अम्मी तू सोई नहीं? बोला था लेट से आऊंगा बैंक पे। पा ड्रामा बंद कर, खाना खा के आया। अम्मी तेरी बासी जली हुई रोटी छोड़ के खड़ा हो। खड़ा हो। सीधा खड़ा हो, हिल मत। अम्मी तूने खाना खाया? तेरे बिना कभी खाया है आज तक? हलवा गरम कर देना मेरे लिए। एक बात बता, तुझे नाटक वाटक करने का टाइम कहां से मिलता है? मैनेजर साहब ने बुलाया है आपको। जाइए। हमसे एक चाय तो पिला। तुम्हारी छुट्टी की अर्जी का क्या हुआ? जीता नहीं, हमारे हाथ में कैथली लटकी है, वही सनी शर्मा जी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। चाबी कहां? चाबी कहां है? ए हाथ ऊपर, चाबी कहां है? हाथ ऊपर करो। ए सीधा खड़ा रहना। चाबी कहां? सेफ्टी चाबी किधर है? सुना नहीं दे रहा क्या? सेफ्टी चाबी, सेफ्टी चाबी किधर है? किधर है सेफ्टी चाबी? कहां है सेफ्टी चाबी? सुना नहीं दे रहा क्या? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। सेफ्टी चाबी किधर है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। सेफ्टी चाबी किधर है? हाथ ऊपर।
रोमियो उर्फ रहमतुल्ला अली, सन ऑफ सूबेदार मेजर गुलरेज अली, 1962 के इंडो चाइना जंग में शहादत नसीब हुई, वीर चक्र अवार्डी। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे सबसे बड़े हीरो थे, तुम उनके नक्शे कदम पर चलकर आईएमए ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद तुम्हें ऐसा करने से मना कर दिया। Congratulations. You passed your final test. Shrikant Rai, Director, Research and Analysis Wing. We work for the External Security of India. आप ये सब? मैं तुम्हें एक ऐसी परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना चाहता हूं जिससे हिंदुस्तान का आने वाला कल बदल सकता है। I want you to serve your country. Join the Secret Service. मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारी जिंदगी शुरू और खत्म तुम्हारे अम्मी पे होती है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि तुम्हारी रगों में शहीद मेजर गुलरेज अली का खून है जो इस देश की हिफाजत करते हुए बहा था। रोमियो, इसी देश को आज तुम्हारी जरूरत है। अरे आज तो वक्त से पहले घर आ गया। तेरे अब्बा हमें दिल्ली ले गए थे 26 जनवरी की परेड दिखाने। जनगणमन बजा नहीं तो अपने अब्बा से पहले सैल्यूट मारने को तैयार। अम्मी मेरी तरक्की हो गई है, बैंक मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। बाहर भेज रहे तो तेरे जाने के बाद मैं क्या करूंगी? कुछ ही महीनों की तो बात है, चल खाना खिला। Verge of a war with Pakistan. Jung jeeti ya hari jaati hai sirf ek cheez ke basis par. Information. Enemy kab, kahan, kya plan kar raha hai. Your job will be to get us this intelligence.
Welcome to the family. कुछ अलग ही बात है मोहम्मद भाई की चाय में और इस जगह में तुम देख तो रहे हो लेकिन क्या तुम्हें दिखाई दे रहे हैं को पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी अपने बचपन के बारे में बताओ कुछ रोमियो मैं और अब्बा सर मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप मेरे बचपन के बारे में जानते हो खैर अब्बा को ट्रेकिंग का बहुत शौक था और अम्मी अम्मी को पैदल चलने से ही परहेज कुछ दिखाई दिया White Fiat, DNB 7172. हमें दो बार क्रॉस कर चुकी है Morning, Rihanna. Morning. Read your editorial last week's on Vietnam War. Very interesting. Well, thank you. मैंने कभी सोचा नहीं कि आप मेरा editorial follow करते हैं. Follow करना पड़ता है. You have the power to influence minds. How come? सुबह सुबह यहाँ पर? Madam का interview है. Oh, she's in a great mood. Oh, good. See you later. See you later. एक field agent को इतने hostile area में और वो भी इस position में place करना. चलो साहब. सॉलिड इंटेल गैदर करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है लेकिन एट व्हाट कॉस्ट अपने इस प्रोजेक्ट के साथ आप पर्सनली कितना कुछ दांव पर लगा रहे हैं व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड खैर सिग्नेचर तो मैं कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी आप मैडम का अप्रूवल लेके आए But I will write a note. इस प्रोजेक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और सिर्फ आपकी होगी Thank you. I was in the British Army. आजादी के बाद इंडियन आर्मी में एक सिपाही रोमियो हम उन खुश नसीब लोगों में से है जिन्हें इस देश के लिए कुछ करने का मौका मिला इस मौके का हमेशा सम्मान रखना तुम्हें एक अंडरकवर मिशन पर भेजा जा रहा है जहां पर तुम्हें यह मानकर चलना होगा दैट यू ऑलवेज बीइंग वॉच्ड अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है तो असल में मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें ये चाय पीने की जरूरत नहीं है तुमसे कभी भी सीधी बात नहीं कही जाएगी तुम्हें उसका असली मतलब ढूंढना होगा समझना होगा और अगर मैं नहीं समझ पाए ऑलवेज फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स रास्तों को अपनी मंजिल ढूंढने में आसानी होगी
मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। कागजात कागज फर्जी कागजात लेकर दाखिल होता है, हिंदुस्तानी मालूम होता है, ले जाओ इसको, अब पूरी तफ्तीश करो। कागजात में अब एग्जिस्ट नहीं करते। तुम्हारी नई आइडेंटिटी होगी अकबर मलिक। अकबर पीओके में रहने वाला एक पाकिस्तानी कश्मीरी है। 8 साल पहले जिसके माँ बाप बॉर्डर पर क्रॉस फायरिंग में मारे जा चुके हैं। He hates India and the Indian Army. पीओके के होटल में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी करता है। इसी होटल में काम के सिलसिले में कराची से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट रहने के लिए आने वाला है, इसहाक अफरीदी। अपने वतन से बेहद मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी, टॉप आर्म्स सप्लायर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का खास और तुम्हारे ताले की चाबी। शुक्रिया अकबर मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
गुड इवनिंग सर. एक मिनट सर. चाहिए तुम्हारी उंगलियों पे पट्टी कैसे? जी वो थोड़ा बहुत पतंगबाजी का शौक रखता हूँ. दूसरों की पतंग काटने का इनाम उंगलियों पर मिलता रहा. भाई पतंगबाजी का शौक तो हमें भी बहुत है. कभी मौका मिले तो आजमाएंगे, फिर देखेंगे कि आसमान पर किसकी हुकूमत होती है. इंशाल्लाह जरूर. जनाब माजरत चाहूंगा, किचन का वक्त खत्म हो गया है और वो दरअसल खान सामा भी चलेगी. चलिए कोई बात नहीं. अफरीदी साहब अगर आप मुनासिब समझे तो मैं कहीं बाहर ही आपको. कहाँ जाने का इरादा है? जी यही करीब रसूल गली में खान चाचा की दुकान है और उनकी निहारी तो आप. बल्ला भाई तुम कोई जासूस तो नहीं हो? हमारे सभी शौक बखूबी जानते हो. तुम इसी इलाके के बाशिंदे हो? जी अफरीदी साहब वो पहाड़ी के उस पार मेरा घर है. सरहद के नजदीक रहते हो? जी मेरे वालिद की काफी जमीन उस पार भी हुआ करती थी. हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान नहीं, कश्मीर में. इस हिंदुस्तान ने हमें हमारे घर से ही बेघर कर दिया. और तुम्हारे वालिदैन? 8 साल हो गए अम्मी और अब्बू को गुजरे हुए थे. ये हमारे सेब के बगान. किलो सेब ले लो भाई, सेब ले लो. सेब ले लो भाई. भी पहुंच गया. आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? शुक्रन खुदा तुम ठीक हो. यहां तुम्हारी देखभाल सरकारी अस्पतालों से बेहतर होगी और पुलिस की दखल अंदाजी भी नहीं होगी. होटल से मालूमात हुई कि तुम इस हादसे से पहले ही अपनी नौकरी छोड़ चुके हो. जी दरअसल एक नई ब्रांच के खुलने पर वो मेरा तबादला एक बाहरी मुल्क में करना चाहते थे, लेकिन मैं पाकिस्तान से जुदा होकर नहीं रहना चाहता. हमारे साथ काम करोगे कराची में? क्या
میرا سگریٹ کا سلگانا اسحاق آفریدی کا تمہاری طرف آنے کا اشارہ ہوگا. کراچی پہنچ کر سب سے پہلے ایک ایسے شخص سے ملو گے جو جوکر کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ایک نام نہیں، ایک پوزیشن ہے. Who heads a spy network in Pakistan. وہ میری وہاں بنائی ہوئی چھوٹی سی سرکس کو کنٹرول کرتا ہے. جوکر کی اصلیت، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، صرف میں جانتا ہوں. قسائی خانہ، 5 منٹ. ذریعہ ہے. اس کا استعمال صرف تب کرنا جب تمہارا کور خطرے میں ہو یا پھر ہائی کمانڈ سے ملاقات کی نوبت آ جائے. ہائی کمانڈ سے یہ میٹنگ میرے سیکیور نیٹورک کے ذریعے ہی رکھی جائے گی. تمہارے آگے کی موومنٹ کی ساری جانکاری سگریٹ کے پیکٹ میں ہے. یہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہوگی. آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ ایک ہدایت دیتا ہوں، ایسا خیال جو تمہیں دقت میں ڈال دے اسے اپنی زبان پر مت آنے دینا. وقت بہتر گزرے گا. اللہ حافظ. کلو باندھ دینا. اکبر میاں، میرا نام کیسے جانتے ہو؟ پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ میری کیا میں جان لے کہ میں آپ کا پیچھا کروں؟ میں تو نظر رکھے ہوتا آپ پر، کہ آپ کے اوپر تو کسی کی نظر نہیں ہے. جو کرنے بھیجا مجھے تو سر، ارے گلا گھٹ رہا ہے مدثر کا، خادم ہوں آپ کا. خیر مقدم، لیاقت آباد میں آپ کا. آئیے. آپ کا دولت خانہ. تم جوکر کے بارے میں کیا جانتے ہو میاں؟ اس کمبخت کے بارے میں جتنا کم جانیے اپنی سلامتی کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. آئیے.
आपका दफ्तर। आपका ट्रांसमीटर। हाँ जी आए। ये लीजिए रखिए अपनी हिफाजत के लिए, अल्लाह न करे कभी चलाने की नौबत आए। जोकर का मैसेज आया था, हॉर्स इज रेडी फॉर द रेस। अल्लाह के फजल से हथियारों की एक बहुत बड़ी डील हुई है, हमें एक अहम कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसकी अगले 7 दिनों में हमें ईस्ट पाकिस्तान में डिलीवरी करनी होगी, बाकी तफसील इसमें है। जी बेहतर। बेशुमार कॉन्ट्रैक्ट्स अफरीदी साहब को इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इसमें मुश्किल क्या है जनाब? पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल जहांगीर आलम, उनकी जेब में इसहाक अफरीदी के हर डील का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है।
जनाब इनकी साठ गांठ से सबसे ज्यादा दो लोगों को नुकसान है। एक तो इसहाक आफरीदी के खुद के बेटे नवाब आफरीदी को, और दूसरा वो पाकिस्तान आर्मी में जो दो नंबर के पायदान पर बैठे हैं ना, आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल गाजी अली आयात। दोनों में गहरी दोस्ती है जनाब, और दोनों इस मौके की तलाश में है कि कब आर्मी चीफ और इसहाक आफरीदी की जगह ले लें। चीफ, अकबर का मैसेज है, एक बहुत बड़े आर्म्स कंसाइनमेंट की डिलीवरी हो रही है। वी ऑल्सो हैव कंफर्म्ड इंटेलिजेंस, ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के 23rd इन्फेंट्री ब्रिगेड की दो यूनिट्स की मूवमेंट भी रिकॉर्ड की गई है। चीफ, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है। एवरीथिंग इज टू ऑब्वियस। प्लान कुछ और है वस्ती। ठीक से रखो। रफीक मियां, ये फौजी लश्कर हमारे दफ्तर में? जनरल जहांगीर ऑफिस आ रहे हैं। जनरल साहब, यहाँ कुछ खासी काम होगा? जाकर सफाई करें। सिद्दीकी साहब, बिना जायजा लिए मैं आप फ्रीजी साहब, मैं सिद्दीकी साहब से बाद में, सिद्दीकी साहब मैं आपसे बाद में बात करता हूं। इजाज भाई, इजाज साहब। पैसे के देना भाई, ले लीजिए भाई।
सेकेंड अक्टूबर लुम्बिनी नेपाल जोकर का मैसेज आया था अकबर मुझसे मिलना चाहता है। तस्लीम मुक्ति वाहिनी के गढ़ मारे जा रहे बद्रीपुर से उनके प्रवक्ता ने कहा कि सैकड़ों हजारों की तादाद में आम लोगों ने हथियार उठाकर इस पाकिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। हर तूफान आने का अंदेश है और ऐसे तूफानी मौसम में एक हम सफर की जरूरत पड़ सकती है। मुझसे ही मिलने की कोई खास वजह? अम्मी कल चाहे जो भी हो मेरी अम्मी का हमेशा ख्याल रखा जाए। You have my word for it. तुम्हारी अम्मी का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। बदलीपुर और उसके आसपास के एरियाज पर भी मुक्ति वाहिनी ने कब्जा कर लिया है। हिंदुस्तानी आर्मी बदलीपुर में इन मुहाजिरों को ट्रेनिंग दे रही है और इस जंग में हमारा मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में हथियारों का दाखिला भी बदलीपुर के जरिए से ही हो रहा है। बॉर्डर के किनारे बदलीपुर नाम का यह छोटा सा गाँव हमें नासूर बन के चुभने लगा है। अफरीदी साहब, जख्म जब नासूर बनने लगे तो उसे न चाहते हुए भी जिस्म से काट के अलग करना पड़ता है। हम बदलीपुर का खात्मा करने के लिए एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करेंगे। अब वो एयरबेस होगा ईस्ट पाकिस्तान का अब्दुल्लाबाद एयरबेस। हम दुश्मन की टेरिटरी पर अटैक करेंगे ना उनका एयरस्पेस वायलेट होगा। बस एक ही झटके में बिना जंग का आगाज किए हम उनकी सबसे बड़ी ताकत का खात्मा कर देंगे। हम अपने ही घर का कचरा साफ कर रहे हैं, पड़ोसी चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। और इस ऑपरेशन में सरकारी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी मिलिट्री की कोई भी इन्वॉल्वमेंट दुनिया के सामने जाहिर नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में आप हमारी मदद करें। हमें डकोटा प्लेन, क्लस्टर बॉम्ब्स और गैर पाकिस्तानी पायलट्स की जरूरत पेश आएगी। ऑपरेशन बदलीपुर बहुत ही अहम और टॉप सीक्रेट मिशन है। जो 22 नवंबर रात 11 बजे यानी हिंदुस्तान में दिवाली की रात को नजर अंजाम होगा। इस बार इन काफिरों की दिवाली में धमाके हम करेंगे। मतलब वो आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट और इन्फेंट्री बटालियन की मूवमेंट, इट वाज ऑल अ डिकॉय। नाइस। हमारा सारा ध्यान ग्राउंड लेवल पर रखा जा रहा था।
और वो एयर स्ट्राइक से बदलीपुर को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। स्मार्ट मूव चीफ। कितने बेगुनाह मासूमों की जान चली जाएगी और लोकल से ज्यादा तो हमारे आर्मी के लोग हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अटैक ऑन अस। ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट। टेक्निकली द लैंड बिलोंग्स टू देम। और तुम जानते हो कि हम जंग की पहल कब। Rehan Kazmi, urgent. Ma'am, UN Assembly attend karne ka jaari. 20th November, Geneva mein conference attend karenge. Diwali se do din pehle. Perfect. Hello, Rehana. How about a cup of tea? No, no, not here. A little privacy would be better. Rehana, I'm going to give you the biggest story of your career. 3 days pehle Dhaka University mein jo massacre hua tha. जहाँ 22 स्कॉलर और स्टूडेंट्स पाकिस्तानी सोल्जर्स के हाथों मारे गए थे। इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स हैं। May I? Sure. It'll be the first story of this magnitude coming out of East Pakistan. This is big. It's an eye-opener for the entire world. Let me work on it, Shrikant. Rehana, मैं चाहता हूँ कि तुम इस न्यूज को दिवाली से 2 दिन पहले 20 नवंबर को छापो, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। Please mark it in your calendar, 20th November. Sure. I'll get working on it right away. Thank you, Shrikant. Pleasure. अवस्थी, ये न्यूज ब्रेक होते ही सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर होगी। चैनल 5, बीबीसी, ऑल शुड बी कवरिंग दिस न्यूज। पाकिस्तान विल बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। इसके बावजूद भी अगर बदलीपुर में हिंदुस्तानियों का मैसेकर हुआ तो बी नथिंग शॉर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक डिजास्टर। और इस डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, बदलीपुर बॉम्बिंग को रोकने का। एंड मैम विल हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट एट द यूएन असेंबली टू ऐड फ्यूल टू द फायर। यस चीफ। अम्मा लिखा है उसकी तरक्की हुई, बड़ा बंगला मिला है, नौकर भी है, सब बढ़िया चला है। बस कब वापस आएगा ये नहीं लिखा? जल्दी आऊंगा, अब तेरी मार खाए हुए बहुत दिन हो गए ना। उसकी उम्र दराज कीजिए। अकबर मलिक, आपको हमारे साथ चलना होगा। Thank you.
خیر اکبر بھائی جان بخیر. سب سے اول تو معافی چاہوں گا جو آپ کو اس طرح بلوا لیا، لیکن سچ کہوں بہت بے صبر کر دیا تھا آپ نے. نواب آفریدی تشریف رکھیے. کوئی بات نہیں نواب صاحب، اسی بہانے آپ کے دیدار ہو گئے. نوازش بھائی، آپ نے تو ہمارے ابا جان کا ایسا دل جیتا کہ وہ ہمیں ہی بھلا بیٹھے. چلیے مطمئن ہو جائیے، ہم آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے سے منع نہیں کر رہے ہیں، بس ذرا کانٹریکٹس کی ڈیٹیلز اور ان کی کچھ ذاتی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر لیا کیجیے. اس کے عوض میں جو آپ چاہیں. نواب صاحب، ایمان بیچ کر دولت کمانا میری فطرت نہیں. جیسا آپ ٹھیک سمجھیں، ویسے آپ یہاں کی کھیر چکھے بغیر نہ جائیے گا، ورنہ قربان جاؤں ہم دل پر لے لیں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ. یہ لفافہ آپ شاید بھول آئے تھے. شکریہ. ہاں دراصل ہمیں اسے کمرہ نمبر 117 میں دینا تھا، آپ دے آئیں گے بڑی مہربانی ہوگی. جی نواب صاحب ضرور. ہاں اور ہاں، آپ بھی آئیے گا کل ضرور، دن میں ہم نے ایک چھوٹی سی دعوت رکھی ہے. کانٹیننٹل ہوٹل. جی شکریہ. چلیے رحمت میاں. جی نواب آفریدی صاحب نے یہ آپ کے لیے بھجوایا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. مانگے صدا تیرے ہی در سے دعا، تو جو سنے نا میرا یہ درد تو کس کو سناؤں گا میں. خالی اٹھا تیرے در سے جو میں، تو پھر کون سے در پہ جاؤں گا میں. نواب صاحب، آپ ہی کی انویٹیشن پہ یہاں آئی ہیں. شی از دی سیکنڈ سیکرٹری آف دی اکنامک ونگ، مس شردا شرما. اللہ کر بے کربلا مت دے صلی اللہ، حق اللہ یا اللہ ہو اللہ ہو. آپ رسول خدا، آپ حبیب خدا، آپ نبی مصطفیٰ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمہارے بینک میں کام کرنے کی وجہ صرف میں تھا.
You were under my surveillance. खारे खारे आंखों से आंसू बहे रूदा दे गम आपसे ना तो किसे कहें। मगर वो होटल रूम में तुम्हारा टेलीफोन रूटीन हर हिंदुस्तानी डिप्लोमेट इनके शक के दायरे में होता है। और तुम्हारे यहाँ आने का असली मकसद? तुम्हें ऐसे मौसम में एक हमसफर की जरूरत थी। लहजा लहजा बदले है सारा जहां, सच्चा है झूठा है कैसा है कौन यहां, दिखते हैं कुछ और दुनिया में होते हैं कुछ, बहता है दरिया ठहरता मुसाफिर कहां। तुम इस अकाफ्रिदी को ट्रैक करना जारी रखोगे। पाकिस्तानी आर्मी और ISI मेरे रेडार पर होंगे, उनकी हर मूवमेंट पर मेरी नजर होगी। हमें ऑपरेशन बदलीपुर को हर हाल में रोकना होगा। आप हैं अल्लाह के प्यारे या रसूल अल्लाह, आप मैशर के सहारे या रसूल अल्लाह, आप काली कमली वाले या रसूल अल्लाह, आप है रब के दुलारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, नबी पाक रसूल अल्लाह। रोमी वाली मान गए जनाब, आपकी हुकूमत ने बड़ी बारीकी से चुनकर भेजा है आपको यहाँ। मेरी छोड़ो अपनी बताओ, एक पाकिस्तानी होकर हिंदुस्तान के लिए काम क्यों कर रहे हो? क्या काम कर रहा हूँ, खमियाजा अदा कर रहा हूँ अपनी बेवकूफियों का, और क्या। दरअसल हम लाहौरी होते ही कम अकल हैं, गांजा पीकर चरस की तस्करी कर रहा था आपके बॉर्डर पर, BSF ने पकड़ लिया। तब से उस हराम खोर जोकर का मोरा बना घूम रहा हूँ। इस सबसे कभी निकलने का सोचा नहीं? क्या सोचेंगे, दरअसल अगर उन्हें जरा भी अंदाज़ा लग गया कि मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ तो मुझे एक मिनट में ख़त्म कर देंगे, और मैं अपनी इस नन्ही सी जान को छोड़ कर नहीं जा सकता। आपने तो अपनों की याद दिला दी, मैं जरा लेके आता हूँ। अपना ख्याल तो तू रख ही लेगा, अपनी इस बूढ़ी अम्मी को मत भूल जाना, इकलौता है तू। अम्मी कभी ड्रामे में हिस्सा लेने का सोचा है क्या? सर ये हेलो
तो इनको बता देना। ओके सर। जी मैं कल आ रही हूँ। I'll see you there tomorrow. मुतरमा कौन है? ये जनाब श्रद्धा शर्मा, हिंदुस्तानी डिप्लोमेट। कब भाई? दो रात पहले, पहले पोस्टिंग है। चला ये तुम की टोन गौर से सुन। ये शख्स मुतरमा को पहले से जानता है। हेलो। फरीदी साहब, वो मैं कल नवाब से मिले थे और उस कमबख्त ने तुम्हें खरीदने की कोशिश की। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है, पर मगर हां किसी ने उसे ऐसा पुरजोर जवाब पहली मर्तबा दिया। आपको? बाप हूं उसका, अकबर। तुम में मैं अपनी वो झलक देखता हूं जो हमेशा अपनी औलाद में तलाशता रहा। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। ओहो माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। इकबाल दो प्याली चाय लाना बेटा। नवाब साहब, कल आपने किसी को होटल में लिफाफे के साथ भेजा था? जी हाँ, अकबर, अकबर मलिक। क्यों अकबर? हमें एक बहुत ही जिम्मेदाराना काम सौंपा गया है। एक टकोटा प्लेन, क्लस्टर बॉम्ब्स और गैर पाकिस्तानी पायलट्स, ये 22 नवंबर से पहले पहले हमें मुहैया कराने होंगे। जी अकबर मलिक एक पाकिस्तानी कश्मीरी कराची आकर साक अफीदी की कंपनी में काम करने लगता है और इस कदर काम करता है कि सिर्फ 3 महीनों में टॉप सर्कल्स में अपनी पहचान दर्ज कर लेता है। खान, इसके सारे कागजात दस्तावेज तरतीब से सिर्फ तुम्हारी शक्ल के बिना पर में। जनाब इस कदर तरक्की देख लगता है जरूर किसी साजिश के तहत हो रही है। मैं इसे टॉप लेवल सर्वेलेंस में रखना चाहता हूँ, इजाजत दें। तुम जानते हो इसके लिए मुझे ऊपर से क्लियरेंस लेना होगा और ये इसहाक अफरीदी का खास आदमी है और जनरल जहांगीर और इसहाक अफरीदी के गहरे ताल्लुकात को देखते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। जनाब मेरे मसले पे गौर फरमाइए जरा। 3 महीने? सिर्फ 3 महीनों में ही हैज बिकम द राइट हैंड मैन ऑफ इसहाक अफरीदी? ओके, ओनली इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस फॉर नाउ, सख्ती नहीं। और ख्याल रहे इसकी इत्तिला बाहर किसी को ना हो। जी जनाब। लतीफ। जी जनाब। रियाक्तबाद में हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस डिटेक्टर्स एक्टिवेट करो। जी। और अकबर मलिक का फोन भी रिकॉर्ड करो। जी जनाब। फॉर नहीं नहीं वहां नहीं, से यहां दरवाजे के पास रख दीजिए। अकबर, हम यहां से नहीं मिल सकते, तुम तो जानते हो ना। मुझे ऑपरेशन बदलीपुर के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए कहा गया है। गुड जॉब, पर इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? तुम ये मेरे पास भिजवा भी तो सकते थे। कुछ लोगों से रूबरू होने का एहसास ही कुछ अलग होता। हाँ अभी आई।
स्पेशल। रोमियो वाली, यही नाम था ना? या। आपके इस फील्ड एजेंट ने तो कमाल कर दिया। ऑपरेशन बदलीपुर की इंटेल इज प्योर गोल्ड। लेकिन ये डेवलपमेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि हिज रोल बिकम्स वेरी क्रिटिकल। एब्सोल्युटली। क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? अ मुस्लिम वर्किंग इन अ मुस्लिम स्टेट, और आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो सर्वे साहब, मेरे लिए वो सिर्फ हिंदुस्तानी है, हिंदू या मुसलमान नहीं। ये आपकी सोच है, लेकिन सवाल उसकी सोच का है। We'll see. नमस्कार मैडम, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए प्लीज। इसमें रिकॉल ज्यादा है जी, थोड़ा झटका दे रही है जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये कोटेशन है, पायलट और प्लेन दोनों का इंतजाम हो गया है। वतन परस्ती के आगे पैसे की कोई अहमियत नहीं है। अकबर, एक अहम बात, तारीख में थोड़ी तब्दीली है। अब ये प्लेन 22 की बजाय 19 तारीख की सुबह अब्दुल्लाबाद एयरबेस में लैंड कर जाना चाहिए, और 19 की रात को ही 10:30 बजे वहां से अपनी अगली उड़ान भरे। रात को बॉम्बे हाई कमांड के प्लान के मुताबिक मीडिया में हमारी खबर 20 की सुबह बाहर आनी थी, लेकिन उससे पहले ही अपना काम कर चुके होंगे। मतलब हमारा पूरा प्लान। There's a leak from our side. हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, इसलिए बॉम्बिंग 22 की जगह 19 की रात को की जा रही है। लेकिन चीफ, हमारी मीडिया स्टोरी के बारे में हम दोनों के अलावा तो आज पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा ने श्रीमती इंदिरा गांधी की भारी निंदा करते हुए सवाल उठाया कि वो देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को तानाशाही तरीके से इस्तेमाल कर रही है। आई भी। आप यहाँ किसके ऑर्डर से? होम मिनिस्ट्री, यू आर अंडर अरेस्ट। यहाँ के लिए ऐसे कई जगह हैं जहां पर इस सीजन में भी भारी बारिश होती है। चीफ, रियाना कज़मी हैज़ बीन अरेस्टेड। मुक्ति वाहिनी लीडर्स के साथ में मेरी मीटिंग फिक्स करा अर्जेंट। कलकत्ता में? या। बट व्हाट अबाउट अ मीडिया स्टोरी? रियाना कज़मी की स्टोरी?
ईस्ट पाकिस्तान को टोटल लो प्रोफाइल रखें और जो जो हमने प्लान किया उसका टोटल ऑपोजिट होना चाहिए. Let there be no news leaking out from East Pakistan. Okay, Chief. Next plan of action. Nothing. Let them believe they're winning. हाई कमांड से मैसेज आया है. ऑपरेशन बदलीपुर को रोकने के लिए हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, we have to stop it. लेकिन I know. हम ऑपरेशन बदलीपुर से सिर्फ 5 दिन दूर हैं, पर हाई कमांड से क्लियर 5 दिन नहीं, 4 दिन. आज 15 नवंबर है, मेरी अम्मी का जन्मदिन. और कुछ ना सही, पाकिस्तान आकर मुझे अपनों की अहमियत का एहसास तो हो ही गया है, मगर तुम्हारे आ जाने से अपनों की कमी कम महसूस हो रही है. Latitudes 24 degree north, 67 degree east. Come. जनाब, कल रात ठीक 8 बजे वायरलेस डिटेक्टर्स ने हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं. मैसेज हिंदुस्तान भेजा गया है. ट्रायंगुलेट करो. कर चुके जनाब. मैसेज लियाकताबाद से भेजा गया. जी जनाब, लियाकताबाद. अकबर मलकी वहीं रहता है. मैडम जी, ये आपके लिए कोई दे गया है. अकबर के कैबिन का फोन लगातार बज रहा है.
कॉल कहाँ से आ रहा है? जी हिंदुस्तानी एम्बेसी के ठीक बाहर से। आपके दस्तखत चाहिए, कंसाइनमेंट शीट यहाँ पर। शेरा कमिन। गो फॉर शेरा। जनाब आपके रवाना होते ही कोई लगातार अकबर को कॉल कर रहा है। हिंदुस्तानी एम्बेसी की बहुत करीब से। ओवर एंड आउट। चला। एक यूनिट लियाकताबाद की तरफ निकल चुका है। अकबर मालिक जनाब घर पे नहीं हो? जनाब सुनिए जनाब। जनाब 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 बाहर जनाब माजिर क्या जी वो हिंदुस्तानी फिल्मी गाना सुनने का शौक है जी। सारी खूबसूरत बातें अच्छा जी प्यार करने वालों के दिलों में समा जाती हैं। जहाँ कहीं खुशी है तो कहीं गम। इतने प्यारे मौसम को देखते हुए हम गम के गाने नहीं सुने। सब किसकी इजाजत से? अकबर मालिक चलिए हमारे साथ हेडक्वार्टर्स, कुछ पूछताछ करनी है। वारंट दिखाइए। वारंट? वारंट की जरूरत पुलिस को पड़ती है।
horse has a broken leg. Needs to be put down. Akbar Malik. Aao. Baitho. बत्ती जलाओ। इसे तो पहचानते ही होगे ना? पॉलीग्राफ टेस्ट, लाइट डिटेक्टर मशीन। चलो जान पहचान करा लेते हैं। बाएं हाथ में कितनी उंगलियां? पांच। दाएं हाथ में पांच। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? असली नाम? नाम क्या है तुम्हारा? अकबर मलिक। तुम पहली मर्तबा श्रद्धा शर्मा से हिंदुस्तान में मिले थे? नहीं। तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो? नहीं। तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली से है? नहीं। तुम्हारे घर वाले दिल्ली में हैं? नहीं। नहीं जनाब, फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ बोलेगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। थर्ड डिग्री का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते, तुम हालात जानते हो। जनाब मुझे यकीन है खान, सही वक्त का इंतजार करना बहुत जरूरी है। रिलीज इन।
सच बोलने पर हमारा शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है और झूठ बोलने पर अलग। जब हम झूठ बोलते हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हम पकड़े जाते हैं। इस पॉलीग्राफ टेस्ट को तोड़ने का एक तरीका है पेन। बाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं? पांच। पेन से बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, सच और झूठ की रीडिंग में ज्यादा फर्क नहीं रहता। एंड द मशीन फियर्स इटसेल्फ। जनाब जख्म को खुला छोड़ दीजिए, जल्दी सूख जाएगा। वैसे कर्नल खान इतने में रुकने वाला नहीं, लेकिन उससे बड़ा खतरा है आपके लिए जोकर, क्योंकि वह जानता है कि आप ISI की नज़र पे आ चुके हैं। मैं दिल्ली फोन करता हूँ। तो उससे क्या होगा, एक प्यादे के लिए पूरा नेटवर्क दाव पे लगा देंगे। जनाब इस वक्त आपके लिए एक ही सहारा है, इसहाक आफरीदी। वतन परस्त अपनी जान पर खेल कर दूसरों की जान बचाने वाला फरिश्ता है, और उसके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। सर्विलेंस 3rd degree टॉर्चर, और इसके पीछे कौन है? जनरल साहब बोलते हुए मेरी जबान जलती है, मेरा अपना बच्चा, मेरा खून नवाब, और वो अपने इस नापाक इरादे को गाजी के साथ मिलकर अंजाम दे रहा है। मकसद? अकबर मेरा खास आदमी है, और वो लोग मेरे और आपके करीबी रिश्ते से बेहद नाखुश हैं जनरल साहब। गाजी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपने कब से अपने ही मुल्क के बाशिंदों को बिला वजह टॉप लेवल सर्वेलेंस पर रखना शुरू कर दिया, वो भी बगैर मेरी इजाजत के? नहीं सर, आपके हुक्म के बिना तो हरगिज नहीं। तो फिर किसकी इजाजत से अकबर मलिक पर इतनी सख्ती की गई? सर वो माफी चाहूंगा, मुझे भी इसका कोई इल्म नहीं। तो आप इमीडिएटली इंक्वायरी बिठाइए और मुझे कल सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट दीजिए। 9:00 शार्प। जी सर। कर्नल खान को भेजो अंदर फौरन। जी जनाब। अकबर मियां, आपने तो खेल का पासा ही पलट दिया। इसहाक अफरीदी मुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं, और मैं मियां एक बात तो अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए कि आप अकबर मलिक नहीं रोमियो अली हैं। जी हाँ, अल्लाह ना करे जज्बात में आकर कहीं आप रिश्तों में उलझ कर रह गए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे।
भाईजान ये भागदौड़ी क्यों? अरे जनाब आपने खबर नहीं सुनी क्या? बड़ी अफसोसनाक खबर है। आज दोपहर 2 बजे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल जहांगीर की बम धमाके में मौत हो गई है। उनके साथ उनके करीबी माने जाने वाले इसहाक अफरीदी का भी इंतकाल हो गया है। माना यह जा रहा है कि इस दहशत गर्दाना वाकया को अंजाम अकबर मलिक नाम के इस शख्स ने दिया है, जिसके ताल्लुकात हिंदुस्तान से बताए जा रहे हैं। اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد फंस गया अकबर मलिक। आदिल जनाब जाओ ले आओ। नहीं जनाब, लगता निकल गया है। और इधर ही है। संभालते ही अकबर मलिक को किसी भी सूरत में जिंदा पकड़ने का फरमान जारी किया है।
आप यहाँ नहीं होना चाहिए। इससे पहले किसी को ये मालूम हो कि आप यहाँ हैं, आप सरहद पार कर फौरन अपने मुल्क रवाना हो जाइए। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सरहद पार करना तकरीबन नामुमकिन है। आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। अपनी हिफाजत के लिए, अल्लाह न करे कभी चलाने की नौबत आए। जज्बात में आकर कहीं आप रिश्तों में उलझ कर रह गए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। लग गया। जनाब
बेगमपीट बस डिपो से अभी अभी एक ट्रंक कॉल बुक हुई है दिल्ली के लिए रॉ चीफ के घर पे। ये कॉल खत्म होती है इसी ट्रांसक्रिप्शन कर्न खान को भेजो। जी जी आजम कम। बाय डैड। बाय सेफ। हेलो अकबर। ताजू बोला मेरी आवाज सुनकर। तुम्हारी आवाज सुनकर खुश हूं। और कल शाम को जो मेरे साथ हुआ वो आपका खुशी इजहार करने का तरीका था। मेरा नहीं, वो जल्दबाजी में लिया गया किसी और का फैसला था। और वैसे भी कल के बारे में बात करके कुछ हासिल नहीं होगा। सवाल आज का और देश के आने वाले कल का है। और मैं, मेरा क्या जो इस देश के लिए सब कर रहा था। अकबर ऐसा तूफान नदी किनारे बसी छोटी बड़ी जगहों पर कभी भी आ सकता है। अगर बिन मौसम तूफान जोरों पे हो तो लोगों को अपना काम घर बार सब कुछ पीछे छोड़ के जाना पड़ता है। जगह को पूरी तरह खाली छोड़ के। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तुम जिस तूफान के बीच में फंसे हो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। इनफैक्ट जहां से मैं देख रहा हूं तुम मुझे अपने लग ही नहीं रहे हो। मेरे लिए अब तुम एक पाकिस्तानी की तरह हो। इवन मोर डेंजरस। ताश के पत्तों में जोकर की तरह। इन हालात में तुम मेरे लिए एक लायबिलिटी हो। मैं अपना काम कर चुका हूं। तुम्हें अपना काम खुद करना होगा। ट्रेनिंग से वापस कब आएगा? हमें कहना मुश्किल है। नौकरी कुछ ऐसी है। धूप जब सताए आंचल से ढक लेती हो। चोट जब भी आए संग मेरे रो देती हो। तावीज जो मैं निकाल दूं परेशान किसी की बुरी नजर लग जाएगी प्यार से बताती हो तुम ओ माँ याद आती हो ओ माँ याद आती हो ओ माँ
श्रद्धा शर्मा जी, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? चलिए हमारे साथ। सलाउद्दीन बुलंदशाह मस्जिद का इमाम था और हिंदुस्तान का नेटवर्क हेड। इस जोकर के साथ हिंदुस्तान के स्पाई नेटवर्क का भी खात्मा हो गया। और तुझे क्या लगता है, तूने हमें कुछ डिटेल्स दे दी और हम तुझे अपना मान ले? जी नहीं, अपना मानने का मौका दे, एक मौका कि मैं हिंदुस्तान को बता सकूं कि जो उसने इस हिंदुस्तानी मुसलमान के साथ किया दोबारा किसी अकबर मलिक और रोमियो अली के साथ करने की जरूरत ना करे। वो कहना क्या चाहता है तू? ऑपरेशन बदलीपुर को अंजाम में खुद देना चाहता हूं। ओए होश में तो है तू? है? इस ऑपरेशन की अहमियत का कोई अंदाजा है तुझे? बहुत अच्छे से। इस ऑपरेशन की अहमियत को लेकर ही मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं। इस मिशन की मुकम्मल मालूमात सिर्फ मेरे पास है। आफरीदी साहब दिया मौका। जनाब जाइए, मिशन की तैयारी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है। शुक्रिया सर। जनाब कल तक ये रॉ का एजेंट था। इसीलिए सब कुछ करने के बावजूद इसका आखिरी कड़ा इम्तिहान होना फिर भी जरूरी है। पर बहुत बड़ा रिस्क है। उस प्लेन में तुम भी रहोगे, अगर वो चुका तो तुम नहीं चुकोगे और मिशन कंप्लीट करोगे। जनाब चीफ रोमियो स्टर्न, हमारा स्पाई नेटवर्क ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, यहां तक कि आपके स्पाई नेटवर्क का हेड जोकर स्टेट। श्रद्धा She has been arrested. Connect me to the Indian High Commissioner in Karachi. Urgent.
Good evening, madam. Badlipur has been bombed. तीन दिसंबर 1971 शाम 5:40 पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया और उसके फौरन बाद 10 हिंदुस्तानी एयरबेसेस पर भी हमले हुए। हिंदुस्तान इन हमलों के लिए पूरी तरह तैयार था और उसने पाकिस्तान पर फौरन जवाबी हमला किया। उसी शाम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी है। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी आर्मी ने शिकस्त खाकर ढाका में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत किया और भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। चीफ, क्या फायदा इसे फॉलो करके? 10 साल हो गए, अब तो आप रिटायर भी होने वाले। तो फायदा नहीं, आदत। अपनी पोजीशन से रिटायर होना बहुत आसान है, मगर अपनी सोच से बहुत मुश्किल। प्लीज इतनी जल्दी भी क्या है जनाब अली? वॉल्टर खान, आपकी दीवी हर चीज अपने से अलग कर चुका हूं। स्कॉच, आपने तो कहा था सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। यहां तो हमारे वतन के खास दोस्त रुके हैं। सर, लोग सोटेशन कन्वेंशन। Hope you don't mind. आपके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। चलिए, आज शुक्रिया अदा करने का मौका तो मिला। एक आम इंसान को खास बना देना, अपनों को उनकी औकात दिखा देना, इनफैक्ट जिंदगी का सही मतलब समझाने का शुक्रिया। शुक्र है आप इतने में ही रुक गए, वरना ना जाने में क्या क्या सीख जाता। मिस्टर श्रीकांत राय, अ मैन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, क्या हाल है आपके इंस्टिंक्ट्स के? I still believe in them. Then you must be proud of me. Mr. Awasthi, all set? चार्ज लेने में अब कुछ ही दिन बाकी है। The youngest chief of RAW. All the very best, gentlemen. Chief, how did this man know this? मेरी अपॉइंटमेंट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुई है और डिपार्टमेंट में भी सिर्फ 2-3 लोगों को ही पता है। इसे कैसे पता चला? मैजिक। Thank you.
महान जादूगर ये कह गया है कि मैजिक इज नथिंग बट आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लोगों का ध्यान तुम्हारे दाएं हाथ पे होता है और बाएं हाथ कुछ और कर जाता है, उसी तरह से मेरा बाया हाथ चुपचाप अपना काम करता रहा। अगले 12 घंटों में भारी बरसात और तूफान का अंदेशा है। अनुमान है कि पूरा कस्बा पानी के नीचे आ जाएगा। मौसम विभाग से मछलीपुर को फौरन खाली करने का ऑर्डर आया है। डूबना तो दूर की बात, वहां पर बारिश का नामो निशान तक नहीं था। इट वॉज अ ड्राइएस्ट सीजन ऑफ द डेकेड। इसीलिए आपने सब कुछ लो प्रोफाइल रखने के लिए कहा था। 17 नवंबर तक बदलीपुर के आसपास 225 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में मुक्ति बाहिनी यानी हमारा कंट्रोल था। हमने सिर्फ उन्हें यहां से वहां शिफ्ट कर दिया। What? He's the Joker. जोकर ताश में एक ऐसा पत्ता है जो दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। आज की मीटिंग का असली कारण यस, वाल्टर खान इज द जोकर। ये सच्चाई अब तक सर मैडम और मुझे मालूम थी, और अब नेहरा चीफ को। तुम्हें याद है एक बार अनसिक्योर्ड लाइन से मुझे अकबर का फोन आया था और मैं इशारे से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अकबर ऐसा तूफान नदी किनारे बसी छोटी बड़ी जगहों पर कभी भी आ सकता है। अगर बिन मौसम तूफान जोरों पे हो तो लोगों को अपना काम घर बार सब कुछ पीछे छोड़ के जाना पड़ता है, जगह को पूरी तरह खाली छोड़ के। अब क्या कहने की कोशिश कर रहे? मेरे लिए अब तुम एक पाकिस्तानी की तरह हो, इवन मोर डेंजरस। ताश के पत्तों में जोकर की तरह। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है तो असल में मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें यह चाय पीने की जरूरत नहीं है। तुमसे कभी भी सीधी बात नहीं कही जाएगी, तुम्हें उसका असली मतलब ढूंढना होगा, समझना होगा। मेरे लिए अब तुम एक पाकिस्तानी की तरह, ताश के पत्तों में जोकर की तरह। अगर बिन मौसम तूफान जोरों पे हो सब कुछ पीछे छोड़ के जाना पड़ता है, जगह को पूरी तरह खाली छोड़ कर। मतलब बदलीपुर का अपना है, उसका पाकिस्तानी बनना, ऑपरेशन बदलीपुर का चार्ज लेना, ये सब आपने। मेरा इशारा समझा जरूर, लेकिन आगे का रास्ता खुद तय किया। 1971 की जंग में हिंदुस्तानी एयरबेसिस पर अटैक की इंटेलिजेंस भी हमें। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान पाकिस्तान से कदम हमेशा आगे रहा, just because of one man, Romeo Akbar Walter. उसने बदलीपुर के धमाके से उनका विश्वास पूरी तरह से जीत लिया और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उसने अपनी असली पहचान और अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, यहां तक कि अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद मिट्टी देने भी नहीं आ सका।
America's motherland. Over his own mother. कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ना हम नाम जानते हैं ना उन्हें पहचानते हैं। ये मुट्ठी भर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने वतन के नाम कर देते हैं, ये जानते हुए कि इस सफर के अंत में ना उन्हें कभी नाम मिलेगा और ना सम्मान। यहां तक कि उनके मौत के बाद उन्हें अक्सर अपने वतन में दो गज जमीन तक नसीब नहीं होती। ये कहानी उन्हीं शूरवीर हिंदुस्तानियों को सलाम करती है। जय हिंद। वतन मेरे नाज है तेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। अपनों की दास्तां ऐसे ना मिला हमको ये गुलज़ार। सरहदों पे कितने ही शहीदों के लहू बहे, सरहदों पे कितने ही शहीदों के लहू बहे, उनकी ये कुर्बानियां याद हमें भी रहे, उनकी ये कुर्बानियां हमें भी रहे। उनके जैसे उड़ने का अंदाज है जरा,
वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। को चले हैं बांध के कफन, दुश्मनों को कर ले उनकी मिट्टी में दफन। अब जो हमारी तरफ बढ़े कोई कदम, इतिहास से मिटा देंगे बुनियाद उनकी हम। मर के भी मिटने ना दे, मर के भी मिटने ना दे तिरंगे की ये शान। हिंदू सता तेरे लिए दे देंगे अपनी जान। One day.